Assalamualaikum viewers, my name is Saif and I am from Awaz Marketing. I hope so, आप सब बिल्कुल सेट होंगे और खैरियत से होंगे. Viewers, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो किंगडम वैली से रिलेटेड है और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किंगडम वैली की साइट के ऊपर खड़े हुए हैं. ये हमारा पहला साइट विजिट है और हमने ज़रूरी समझा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रह चुकी है, कुछ मिसिंग है, तो हम आपके साथ वो शेयर करें और आपसे डिस्कस करें. आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं किंगडम वैली की जो एंट्रेंस है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पीड से काम चल रहा है. उसके अलावा इस एंट्रेंस को अगर हम देखते जाएं तो दिस इज़ द मेन बुल्ले वार्ड, जो एंट्रेंस की बुल्ले वार्ड है और ये आगे तक जा रही है. हमने ये भी सोचा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं और पिक्चर्स हैं, जिस तरह चक्री इंटरचेंज जो है वहाँ से आपने उतरना है कुर्तबा रोड की तरफ, और कुर्तबा रोड के ऊपर फर्दर आपको ऑलमोस्ट टेन मिनट्स की ड्राइव है और उसके बाद आप किंगडम वैली पहुंच जाते हैं. अंदर आने के बाद मेन एंट्रेंस है जहां पे हम इस टाइम खड़े हुए हैं. इसको देख के हमें बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है कि ये किस किस्म का एरिया है. अगर आप मेरे बैकग्राउंड पे और थोड़ा सा पीछे का एरिया दिखा सकें जहां पे मशीनरी लगी हुई और काम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की कटिंग चल रही है. ये एरिया इस किस्म का है जिस तरह का पोटोहार रीजन होता है, थोड़े से पहाड़, थोड़े से स्लोप, थोड़ा सा फ्लैट एरिया. तो ऑल इन ऑल बहुत ही वैरायटी वाली लैंड है. ठीक है, आपको स्लोप्स मिल रहे हैं यहाँ पे, आपको ग्रीनरी यहाँ पर मिल रही है, आपको फ्लैट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, फ्लैट ज़मीन मिल रही है. ऑल इन ऑल बहुत ही वैरायटी वाली ज़मीन है. बिल्कुल अगर आप मेरे हाथ के इशारों को फॉलो करें और इसी रोड को आप देखते जाएं तो बिल्कुल एंड पे आई गेस तो शायद आपको दिख ना सके लेकिन हम ड्रोन शॉट ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे उस एरिए के. वहाँ पर इनका जो साइट ऑफिस है छोटा सा वो लोकेटेड है. और उसके अलावा जो ड्रोन शॉट्स हैं, ड्रोन शॉट से आपको बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है कि कितनी फैली हुई ज़मीन है किंगडम वैली की और कितनी वैरायटी वाली ज़मीन है. ड्रोन शॉट से बहुत अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे स्लोप्स हैं, कितने पहाड़ हैं और क्या कुछ. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम पहले भी अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करते रहे हैं कि ये किस किस्म का प्रोजेक्ट है. ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है. नया पाकिस्तान के तहत इसको लॉन्च किया गया था और अभी हमें पता चल चुका है कि जो किंगडम वैली और नया पाकिस्तान है इसकी क्या रेशियो है. 75% ऑफ किंगडम वैली बिलोंग करता है किंगडम वैली प्रोजेक्ट से और जो किंगडम वैली प्रोजेक्ट के अंदर बाकी का 25% है जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी और वो सारी चीज़ें जो थी वो 25% है. उसके अलावा जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है. जिस स्पीड से आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, रोलर्स, डिगर्स और ये सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है. इस काम को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि कमिटेड है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, स्पेशली वो लोग जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कम तनख्वाहदार तबका जो बहुत ही टफ हालात में होते हैं, बहुत सेविंग्स करके चल रहे होते हैं, उनके लिए ये सोसाइटी स्पेशली सूटेबल है कि वो लोग अपना पैसा लगाएं और 7-8 साल वेट करने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हैं, चाहें तो घर बना सकते हैं. बिल्कुल भी ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों के पास हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो यहाँ पर आके 30-40 प्लॉट उठा लें. बिल्कुल ये हरकत करने वाली नहीं है इस सोसाइटी के अंदर. ठीक है, ज़रूरतमंद तबके के लिए, सेविंग्स के ऊपर जो फैमिलीज चल रही हैं सेविंग्स के ऊपर, वो यहाँ पर छोटे से छोटा 75,000 रुपये से यहाँ पर बुकिंग स्टार्ट हो रही है. 75,000 रुपये से आपको फाइल मिल जाएगी, आप ओनर बन सकते हैं अपने प्लॉट के. लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लोकेशन प्यारी है. मोटरवे से हम ट्रैवल करते हुए आए हैं, हार्डली 15-20 मिनट समय लगे हैं और हम कुर्तबा रोड के ऊपर चक्री इंटरचेंज से उतर चुके थे. उसके अलावा व्यूज, ये साइट विजिट था. जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. एनओसी का जो चक्कर है कि एनओसी इनकी क्लियर है, बाकी मामलात ये सब हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक बेहतर टॉपिक के साथ, एक नए एंगल के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे जिसमें हम इनके साइट के ऊपर क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं, मैप की क्या सिचुएशन है और कौन कौन सी डिफरेंट अपडेट्स हमारे पास होंगी हम वो लेके आएंगे. फेसबुक पेजेस जो हैं हमारे उनको ज़रूर फॉलो कीजिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोज़ हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आती रहती हैं और आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा. स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें किंगडम वैली से रिलेटेड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर बुकिंग एंड रजिस्ट्रेशन. उसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरी या सवाल हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.